हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फिजिकल एजुकेशन की अगली क्लास और आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2021। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ है उसका आज की क्लास में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे यूपी टीईटी 2022 जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूपी टीईटी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, यानी जो पेपर कराया गया था, उसमें जो है क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी जो यूपी टीजीटी का पेपर होने वाला है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पिछला जो पेपर हुआ है 2021 में कराया गया था और उसके फॉर्म डले थे 2020 में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, शारीरिक शिक्षा एक सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, यानी शारीरिक शिक्षा इसका मतलब है इसमें जो सारी शिक्षा का जो इतिहास है, ठीक है, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सारी शिक्षा को देखा जाता है, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जैसे जितने भी फिजिकल एजुकेशन की या स्पोर्ट्स की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन का इतिहास हमारे भारत का हो या फिर किसी दूसरी जगह का हो, यूनान का, जर्मनी का, ठीक है, अमेरिका का, उन सबसे जो क्वेश्चन बनते हैं वह इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक सांस्कृतिक धरोहर यानी कि इसका इतिहास। ठीक है, तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे आपके 7। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यानी शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से पूछे गए थे आपके 7th क्वेश्चन। अगला टॉपिक आता है आपका खेलों का समाजशास्त्रीय आधार। ठीक है, ठीक है, खेलों का समाजशास्त्रीय आधार, इससे पूछे गए थे आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, समाजशास्त्रीय आधार का मतलब है खेलों का समाज में क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे और हिस्ट्री के पूछे गए थे 7th क्वेश्चन। अगला टॉपिक है मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है, यानी खेलों में मनोवैज्ञानिक का क्या महत्व है। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इससे पूछे गए थे आपके 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें अगला टॉपिक है, देखिए ये जो मनोवैज्ञानिक आधार है जिसमें आपके अधिगम, ठीक है, और आपके व्यक्तित्व, ठीक है, अभिप्रेरणा, प्रेरणा, ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक आधार में आती हैं। ठीक है, अधिगम जैसे लर्निंग, तो उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है,
एनाटॉमी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक आते हैं जैसे सेल, स्केलेटन, ठीक है, डाइजेशन, ये सारे टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे पूछे गए थे आपके 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन। तो ये आप लोग याद रखेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, कब, यूपीटीजीटी 2021, ठीक है, जो अभी भी जो पेपर हुआ है पिछली साल 2021 का, तो उसमें जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एंड फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, इससे पूछे गए थे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं शारीरिक दक्षता, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य शिक्षा, आप लोग इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से पूछे गए थे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, खेल चिकित्सा शास्त्र, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिकल, ठीक है, इससे आपके पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। जैसे इसमें टॉपिक आते हैं डोपिंग, ठीक है, और स्पोर्ट्स मेडिसिन या खेल चोटें। अगला टॉपिक है खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धति, ठीक है, खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धति, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मेथड, इससे पूछे गए थे आपके 9th क्वेश्चन, ठीक है। खेल प्रशिक्षण ये आपने सुना होगा, स्पोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है, एवं शिक्षण पद्धति, ठीक है, एजुकेशन मेथड, इससे पूछे गए थे आपके 9th क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आप लोग याद रखना, हिस्ट्री से पूछे गए थे 7th, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 29, ठीक है, और उसके बाद है खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धति 9th क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला है खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इससे पूछे गए थे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है, इससे ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है परीक्षण मापन, ठीक है, और आपका मूल्यांकन, परीक्षण मापन और मूल्यांकन, ठीक है, इससे पूछे गए थे आपके 10 क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्ट मेजरमेंट एंड टेस्ट मेजरमेंट टेस्ट मेजरमेंट
एवोल्यूशन, ठीक है, इससे पूछे गए थे आपके 10 क्वेश्चन। अगला टॉपिक है योगा, इससे पूछे गए थे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है खेल प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट टूर्नामेंट, ठीक है, खेल प्रतियोगिताएं। स्पोर्ट टूर्नामेंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछे गए थे आपके 8 क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला टॉपिक है गेम्स, ठीक है, यानी कि खेल, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है, जितने भी गेम्स हैं और आपके जितने भी एथलेटिक्स की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें पूछे गए थे आपके 37 क्वेश्चन, ठीक है, कितने 37 क्वेश्चन। अगला टॉपिक है आपका ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक, एशियन गेम, ठीक है, ओलंपिक, एशियन और आपके राष्ट्रमंडल गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, इससे आपके पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। और अगला है खेल पुरस्कार, इससे पूछा गया था आपका 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन का इतिहास आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की और हमारे वर्ल्ड की, ठीक है, वो सभी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। खेल, सॉरी, सारी शिक्षा एक सांस्कृतिक धरोहर, ठीक है, इसमें हिस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, इसमें आपके पूछे गए 29 क्वेश्चन, ठीक है, 29 क्वेश्चन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण पद्धति, ठीक है, तो इससे पूछे गए आपके 9th क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट है परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, ठीक है, टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, ठीक है, इससे पूछे गए आपके 10th क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए खेल प्रतियोगिता से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और गेम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 37। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन 7th क्वेश्चन, ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इससे पूछे गए आपके 29 क्वेश्चन, 29। अगला है आपका खेल प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धति, खेल प्रशिक्षण एवं शिक्षण
इससे पूछेंगे आपके नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है। आपको वही बताए जा रहे हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, जिससे आप अपना बेस जो है मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ टॉपिक पर आप अच्छे से ध्यान दे करके एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला है आपका परीक्षण, परीक्षण मापन और आपका मूल्यांकन। इससे पूछे गए थे आपके टेंथ क्वेश्चन, ठीक है। और स्पोर्ट टूर्नामेंट, ठीक है, स्पोर्ट टूर्नामेंट से पूछे गए आपके एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आपका गेम्स, इससे पूछे गए आपके 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लगभग 6 टॉपिक हैं जो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इन 6 टॉपिक को बारी बारी से कवर करते हैं अच्छे तरीके से, तो आप जो है काफी अच्छा खासा पेपर को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन इन 6 टॉपिक से बनते हैं। देखिए 7 तो आपके हिस्ट्री से, 29 और 7 36, 36 और 9 45, 45 10 55, ठीक है, और 55 और 8 63, 63 और 7 70, 70 और 30, ठीक है, 100 क्वेश्चन टोटल। अगर आप इन 6 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो दो टॉपिक हैं, ठीक है। एक है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरा है आपका गेम्स, जो कि इस पूरे पेपर का आधार है, ठीक है, इस पूरे पेपर का आधार है, पूरे पेपर का बेस है गेम्स और आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इनसे टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 66 लगभग। देखिए 125 का क्वेश्चन पेपर आता है, 125 का, अगर 125 का आधा करेंगे तो लगभग 62 या 63 आएगा, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन ओनली इस दो टॉपिक से हैं, गेम्स और आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो इन दो टॉपिक को आप अगर कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपके लगभग 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये सब तो पढ़ना है ही। तो हमारा चैनल पर इसकी क्लासेस चल रही हैं और एनाटॉमी की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। एनाटॉमी को आप जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपके 29 क्वेश्चन या 30, 35 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। और दूसरा है आपका गेम्स, इन दो टॉपिक पर आप ध्यान देंगे तो लगभग आपका 50% पेपर जो है वह आसानी से सॉल्व हो जाएगा और लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने यूपी टीईटी 2021 का जो फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर था, उसका पूरा विश्लेषण, ठीक है, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसे देखने के बाद आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफी आसानी होगी और उससे पहले आपको तैयारी करने में भी काफी आसानी होगी। सबसे पहले आपको बड़े बड़े टॉपिक्स पर भी ध्यान देना है, जैसे एनाटॉमी और आपका गेम्स, इन दो टॉपिक को आप जो सबसे पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाकी के टॉपिकों को आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम जो है डाल देंगे, सॉल्यूशन जो है बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन इस तरीके से जो है अभी तक किसी ने समझाया नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी इस पेपर का डाल दिया जाएगा, यूपी टीईटी 2021 का, ठीक है, पूरा पेपर का, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ये बताया था सिर्फ इसका विश्लेषण, किस किस टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।